देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। बिजनौर के रायपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रानी कोटा की रहने वाली एक महिला ने पड़ोस में ही रहने वाले दो युवकों पर छेड़छाड़ में उठाकर ले जाने का आरोप लगाया है। महिला की माने तो महिला किसी काम से जा रही थी कि अचानक पड़ोस के रहने वाले दो युवकों ने महिला को पकड़ लिया और अश्लील हरकतें करने लगे। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए, जिसे देख आरोपी युवक मौके से फरार हो गए और महिला को किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। वहीं जब महिला ने आरोपी युवकों के खिलाफ जब थाने में तहरीर दी तो पुलिस ने दोनों युवकों को बुलाकर बैठा लिया। वहीं महिला ने पुलिस पर भी दोनों आरोपियों को पैसे लेकर छोड़ने का आरोप भी लगाया है और पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर इस मामले की शिकायत करते हुए इंसाफ की गुहार भी लगाई है। इस मामले में ले गई हूँ मैं, लड़कों ने, गांव वालों ने छेड़खानी करी है मेरे साथ। सोनू ने और उसके जीजा ने, अब्दुलपुर के उसका जीजा है, उसने बदतमीजी करी है। मैं थाने गई थी, थाने में भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। उन्होंने उन लोगों को छोड़ भी दिया पकड़ के। मैं घर पर आ गई थी, पुलिस वाले कह रहे थे ना फैसला कर लो, मैं घर आ गई, उन्होंने भी छोड़ दिया, पैसे ले देगा। बिजनौर से यूपी क्राइम के लिए सलीम अहमद की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।